आइए क्या कहता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित आर लिस्टेड इन इट, फाइंड द मैप ऑफ द वर्ड रचित, मतलब सबको हम क्या करें डिक्शनरी में अरेंज कर दे, तो मेरे को बताओ कि रचित खुद किस रैंक पर आएगा, यह रैंक ऑफ वर्ड्स। अब दो टेक्निक है मेरे पास, एक है निंजा टेक्निक और एक है गंजा टेक्निक, बोलो कौन सी वाली कराऊं। देखो गंजा वाली जो है वो यहां से यहां तक की है पूरी, निंजा वाली जो है वो 3 लाइन, चलो ज्यादा बढ़ा लो 4 लाइन, तो चलो नहीं सिंपल, आओ सिंपल टेक्निक सिखा रहा हूं, बहुत मजेदार है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर होती है मेरे बच्चा। आओ रचित लिख दिया मैंने, इसको जरा रैंक देना इसके लेटर्स को, सबसे पहले रैंक ए, 1 रैंक, फिर 2, फिर 3 किसके आएगी, डी एच आई आई पी क्यू आर एस टी, राइट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से यहां से स्टार्ट करो और राइट की तरफ देखो, इससे छोटी रैंक वाले कितने हैं, कितने इससे छोटी रैंक, राइट की तरफ देखनी है, 4, इससे छोटे राइट की तरफ कितने हैं, है ही नहीं, है ही नहीं, इससे छोटी रैंक, 2 से छोटी रैंक राइट की तरफ नहीं है, 0, 3 से छोटी रैंक राइट की तरफ नहीं है, 4 से छोटी रैंक नहीं है, 6 से छोटी, बोले यहां तक क्लियर। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इनको किस से, ध्यान से अब ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, ऑलवेज, दोबारा बोल रहा हूँ, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, ठीक है, और लास्ट में ऐड कर दो +1, ये आंसर आ चुका है आपका। ये नीचे हर बार ऐसे ही होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी होगा फैक्टोरियल, यहाँ तक क्लियर। बस ये रैंक ध्यान से देखनी है, क्या मेन स्टेप के ऊपर रैंक का है, राइट की तरफ देखो कितनी छोटी रैंक, क्लियर, कर दो मल्टीप्लाई 4 into 5 factorial, 4 factorial, 3 factorial plus 0 into 1 factorial plus 0 into 0 factorial plus 1, क्लियर, 4 into 5 factorial 120, लास्ट में +1, 481 इज द आंसर। एक वर्ड दो निकालोगे रैंक, एक लास्ट वर्ड है रैंडम, इसकी रैंक निकाल दो जल्दी से, रैंडम की रैंक निकालो जल्दी से, चलो रैंडम की रैंक चेक करिए एवरीवन, आर ए एन डी ओ एम, सबसे पहले इसकी रैंक 1, 1, एम एन डी की 2, एम एन 3, एन की 4, 3, 4, 5, 6, यही है, इससे छोटे राइट की तरफ कितने हैं, 5, फिर 0, 0, 4 में छोटे 2, 2 से छोटे यहाँ की तरफ 0, 5 से छोटे राइट की तरफ 1, और 3 से छोटे है ही नहीं, मल्टीप्लाई में किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial, और लास्ट में 1, 5 into 5 factorial प्लस ये कितना हो जाएगा 0, 2 into 3 factorial, 1 into 1 factorial, 0 into 0 factorial, और लास्ट में +1, 5 into 5 factorial, 5 into 120, 2 into 3 into 2 into 1, +1, +1, तो मेरा हो गया 600, 2, 3, 12, बेटा 12 + 1 + 1, 614, ये आंसर आएगा, क्लियर। चलो अब होमवर्क में आपको इस नाम की रैंक निकालनी है बेटा, ठीक है, मेरे नाम की रैंक निकालनी है, अपने नाम की मत निकालना क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा रिपीटेशन जब हो क्या करना है,